कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भारत की खोज के अंतर्गत आर्यों का आना पाठ पढ़ा। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज से पहले, अर्थात जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई उससे पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। किसका? वैदिक युग का समय कब से कब तक रहा, इसका जो कालखंड है इसके निर्धारण में विद्वानों के बीच मतभेद है। वे इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं कि इसका समय कब से कब तक था। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। यूरोपीय विद्वान क्या कहते हैं कि यह क्या है, सिंधु सभ्यता के बाद का है, जबकि भारतीय विद्वान क्या मानते हैं, यह पहले का है, अर्थात इसका समय उससे पहले का है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहन जोदड़ो की खुदाई के बाद से इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और भी पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। क्या कि ये उससे भी 1500 से भी और ईसा पूर्व जो समय निर्धारित किया गया 1500 उससे भी ये पुराने हैं, यह साबित करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ गई है, विद्वानों में बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। यह जब इंसान विकसित हुए और वे थोड़े समूहों में आ गए और उन्होंने एक सभ्यता का रूप लिया, तो यह क्या है, मानव इतिहास, मानव दिमाग का क्या है, सबसे पहला उपलब्ध ग्रंथ है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। किसे? वेदों को, उसमें भी ऋग्वेद को। हम लोग जानते हैं हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। हम लोग देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो उनका एक भाग किधर रुक गया, ईरान, और एक भाग यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर पल्लवित हुआ, अर्थात यहाँ वे आ गए। तो दोनों में जो वेदों की भाषा है और अवेस्ता, ये दोनों में बहुत साम्य हमें देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं, उसी विचार जो ईरान में अवेस्ता की रचना हुई उसके जो विचार हैं वह वेदों के विचार में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई जो यहाँ लाया गया था, अर्थात जो वेदों की रचना में देखी जाती है। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेदों की भाषा है और जो अवेस्ता, जो ईरान की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो अवेस्ता की भाषा और वेदों की भाषा में क्या है, अद्भुत समानता देखने को मिलती है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट है। यानी जो हमारे महाकाव्य लिखे गए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण वगैरह, तो वो क्या है, संस्कृत में लिखे गए, लेकिन जो हमारे वेद हैं उनकी भाषा अवेस्ता के क्या है, अधिक निकट है। तो हम लोगों ने देखा इस पाठ में कि किस तरीके से सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है क्या, वेद, जिसे
मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि यह आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है, यानी इसकी इतनी यह इसका समय इतना प्राचीन है, इतना पुराना यह ग्रंथ है। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वेदों के संबंध में। तो हमारा अगला शीर्षक है वेद। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं वेद।